दीपाज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएं सूजी की स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ी। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है सूजी की खस्ता कचौड़ी। कचौड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी। हमने सूजी को इस मेजरमेंट्स कप से नाप के लिया है और इसी कप से नाप के हमने 2 कप पानी लिया है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच हमने दूध की मलाई ली है। स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं 6 से 7 उबले हुए आलू, आधा कप हरी मटर, इसको हमने नमक डाल के उबाल लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसी हुई अदरक, 2 कटी बारीक हरी मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी। स्टफिंग और कचौड़ी फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले हम सूजी का डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप पानी डाल देंगे। पानी को गर्म होने देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और अजवाइन डाल देंगे। अब इस पे हम दूध की मलाई डाल देंगे। चला देंगे इसको। अब हम यहाँ पे सूजी डालते जाएंगे। बराबर चलाते हुए इसको डो की तरह बना लेंगे। सूजी डो की तरह बनके तैयार हो गया है। इसमें अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और मलाई डालने से कचौड़ी खस्ता बनती है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम प्लेट में परस लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम डो को ठीक कर लेते हैं। थोड़ा छूने लायक ही हो गया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह से मसल मसल कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें डो को बहुत ठंडा नहीं करना है, इसे हल्का गुनगुना ही रखना है। स्टफिंग तैयार करने के लिए पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। आलू के साथ ही मटर को भी मैश कर लेंगे। हमने आलू और मटर को मैश कर लिया है। अब हमने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और अदरक और हरी मिर्च। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे। डाल देंगे हरी मिर्च, सॉरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, प्याज, मैश किए हुए आलू और मटर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिलाएंगे नमक।
नमक हमें बहुत ही सावधानी से मिलाना है क्योंकि नमक हमने डो तैयार करते समय मिलाया था। और मिला देंगे चाट मसाला, और आधा हमने नींबू लिया है इसका रस इसमें मिलाएंगे। नींबू के रस से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और थोड़ी देर के इसको और भून लेंगे। अब हम धनिया की पत्ती डाल देंगे और मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट पे परस लेंगे। हमने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, इसे हमें बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का हाथों से छूने लायक रखना है कितना सहने लायक हो। अब हमने एक तरफ पैन में ऑयल रखा गर्म होने के लिए, और हाथों में हम थोड़ा चिकना लगा के इस तरह से थोड़ा चपटा कर लेंगे हाथ में। और स्टफिंग को इसमें रखेंगे, और चारों तरफ से इसको इस तरह से अंदर की साइड में दबाते जब वे भरेंगे। इस तरह से इसके मुंह को सील कर देंगे। इस तरह करते हुए और बना लेंगे। इस तरह से अंदर की साइड में स्टफिंग को भरते जाएंगे, और किनारे से साइड से इसके मुंह को हम इस तरह से सील करते जाएंगे, और हल्के हाथ से इसको हम इस तरह से बॉल की शेप देते हुए बना लेंगे। इसी तरह हम और तैयार कर लेंगे। अगर आपको अंदर भरने में थोड़ी परेशानी हो रही हो तो आप थोड़ा सा डो लेके इसके ऊपर मुंह पे रख के इस तरह से बंद कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा पेस्ट डाल के। देखिए ये तैर के ऊपर की तरफ आ रहा है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम हाई फ्लेम पे ही कचौड़ी को फ्राई करेंगे। एक साथ हम सारी नहीं डालेंगे, कम से कम एक बार में तीन या चार। इस तरह हम चमचे से कचौड़ी के ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। हमें कचौड़ी को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक साइड से ये हल्के ब्राउन हो गए, इनको पलट लेते हैं। कचौड़ियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है, आपको इसकी आवाज सुनाई पड़ी होगी। सूजी की खस्ता कचौड़ी बनके तैयार है।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।